दिव्यांगों के लिए मोदी सरकार ने और एक निर्णय लिया है। जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है उनके लिए दूरदर्शन न्यूज़ रोज साइन लैंग्वेज के आधार पर एक न्यूज़ बुलेटिन प्रकाशित करता है। यही ऐसी ही पहल सभी बाकी प्राइवेट चैनल्स भी करें, यह हमने दरखास्त की है, उन्होंने भी मंजूर की है और इसके लिए जो गाइडलाइंस इशू करने हैं वो हमने किए हैं। तो कम से कम सप्ताह में एक बार एक बुलेटिन जो कर्णबधिर होते हैं उनके लिए ये साइन लैंग्वेज के साथ होना चाहिए ताकि उन्हें भी सारी आसपास चलने वाली घटनाओं को वो समझ सकते हैं और ये एक और सेवा होगी। वैसे भी हमने फिल्मों के लिए ये कहा है कि जो दृष्टिबाधित होते हैं या वहाँ भी जो दृष्टिबाधित है वहाँ उसके लिए उनको संवाद समझते हैं लेकिन उनको सुनाई देता है लेकिन दिखता नहीं, उनके लिए भी जो दो संवादों के बीच जो गैप होगी उसका नरेशन आएगा और वो नरेशन से भी उनको मिलेगा। तो कर्णबधिर भी और दृष्टिबाधित भी, इन दोनों के लिए नई पहल हम कर रहे हैं और इसके लिए क्योंकि मोदी जी ने लोग जिन्हें डिफरेंटली एबल्ड कहते थे उनको दिव्यांग कह के उनको एक नया सम्मान दिया है और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है।